हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल वन शॉप इंडिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ओप्पो के ओर से आने वाला रेनो 6 प्रो, जिसकी रैम है 12 GB और 256 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ आता है। आज 23 जुलाई है और आज ही ये फ़ोन रिलीज हुआ है, हमारे पास आया है। हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कैसा निकलता है फ़ोन। जो भी बंदे नए आए हैं चैनल पे, पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ये है हमारा ओप्पो रेनो 6 प्रो का बॉक्स, इसको हम सील ओपन करेंगे अभी। इसका आज ही लॉन्च हुआ है और आज ही हमारे पास आ गया है ये फ़ोन। बॉक्स पे MRP लिखी गई है, आप देख सकते हो 46,990 रुपीज़। 12 GB रैम वाला ये वेरिएंट है, 256 GB मेमोरी के साथ ये आता है। कैमरा कौन कौन से आते हैं वो भी बॉक्स पे लिखा गया है, आप देख सकते हो। इसके स्पेसिफिकेशन तो हर कोई ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है, हमको आज देखना है कि कैसा फर्स्ट लुक आता है फ़ोन का। तो चलिए बॉक्स पहले ओपन कर देते हैं हम। तो मेरे ख्याल से इसमें केस भी साथ में आएगा सिलिकॉन वाला। पहले मेन यूनिट को हम रख देते हैं साइड में, देखते हैं क्या क्या एसेसरीज निकलती है। पहले ये बॉक्स को हम ओपन करेंगे। तो इसमें एक फ़ोन का केस निकला है, सिलिकॉन वाला ट्रांसपेरेंट केस है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल है। और ये यूज़र मैनुअल्स है और एक सिम इजेक्टर टूल्स हमको साथ में मिला है। अभी क्या क्या एसेसरीज और है हम देख लेते हैं। एक फास्ट चार्जर मिला है हमको, मेरे ख्याल से ये 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। जी हाँ, 65 वोल्ट का ये फास्ट चार्जर हमको साथ में मिलता है। और एक टाइप सी टू USB केबल हमको मिली है चार्जिंग के लिए। और एक वायर्ड ईयरफोन मिले हैं हमको टाइप सी पोर्ट वाले। तो बस इतनी एसेसरीज हमको बॉक्स में मिल जाती है ओप्पो रेनो 6 प्रो के साथ। तो अभी हम मेन यूनिट की ओर आते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड ये आवाज़ सुनने के लिए, काफ़ी लोगों के कान तरस जाते हैं। इट्स रियली कूल। इसमें बैक साइड बड़ा ही अच्छा दिया गया है इस बार ओप्पो की ओर से, कुछ हटके दिया गया है इस बार। इसमें स्क्रैच नहीं आता है ऐसा मैंने सुना है, तब देखते हैं। इस तरह से इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आप चाबी घिसो, नाइफ घिसो, कुछ भी घिसो। ऑन करके देखते हैं अभी। कर्व डिस्प्ले इसकी, कंपनी की ओर से स्क्रीन गार्ड इसमें लगाया आता है पहले से ही। अभी हम सेटअप कर लेते हैं पहले एक बार। इसकी स्क्रीन मेरे को बहुत ही स्मूथ लगी, 90Hz का इसमें डिस्प्ले है, HDR10+ के साथ आता है, 500 nits इसमें हमको मिल जा रहा है, 6.55 इंच का डिस्प्ले है ये, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। एंड्रॉयड 11 के साथ ये फ़ोन आता है और बड़ा ही स्मूथ फंक्शन कर रहा है फ़ोन। फ़िलहाल हम इसका रिव्यू तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में कोई भी फ़ोन कैसा है वो नहीं बोल सकता है, लेकिन टच इसका बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्मूथ है। कैमरा भी अच्छा लग रहा है मेरे को। इसमें मेन कैमरा हमको 64 मेगापिक्सल का मिल जा रहा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जा रहा है हमको, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। 4K रिकॉर्डिंग हम इसमें कर सकते हैं। ऊपर के ओर से एजेस हमको फ्लैट मिल रहा है, जिससे आप एक साइड खड़ा भी कर सकते हो फ़ोन।
स्क्रीन मेरे को इसकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, एकदम स्मूथ है। इसके जैसे स्क्रीन मैंने कोई फ़ोन में अभी देखी नहीं है। वॉलपेपर भी बड़ा अच्छा है इसका, लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट हमको दिया गया है इसमें। 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है और साथ में HDR10 है, तो इसका रिज़ल्ट मेरे को बढ़िया लगा। तो ये थी हमारी फ़ोन की फर्स्ट इम्प्रेशन। आप देख सकते हो बढ़िया सा क्लासिक लुक ओप्पो रेनो 6 प्रो का दिया गया है। इसमें ओप्पो रेनो 6 भी आता है जो इससे 10,000 कम वैल्यू का है, ये फ़िलहाल 39,000 का है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। ये था हमारा ओप्पो रेनो 6 प्रो। ये हमने अभी आपको फर्स्ट इम्प्रेशन कैसी थी फ़ोन की वो दिखाई और अनबॉक्स किया है। अभी इसका रिव्यू हम एक दिन में नहीं कर सकते, हमको अच्छे से फ़ोन यूज़ करना होगा, बाद में हम आपको बोल सकेंगे कि फ़ोन कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें प्लस पॉइंट है वगैरह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।